तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर ना पानी ठंडा रहेगा और अगर इसके अंदर आप जो ना चाय वाय डालेंगी भी अच्छी रहेगी और चर्बी भी कम हो जाएगी, फैट भी कम होगा और पानी की जो आपकी बॉडी में कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो इसके मैं दो सौ चले जाओ अब तो ना के आ जाओ लगे वास्ते, अपने अंदर से मुझे खुशबुएं आने लगी थी, खुशबुएं तो मैं फटा। और इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपको स्ट्रॉ यूज नहीं करनी ना तो आप इसका ये देखो यहाँ से शॉर्टकट यूज, बाद में जाऊंगी नमाज पढ़ूंगी क्लींजिंग करूंगी, आज मुझे अपनी क्लींजिंग करनी है। तो खैर इंजॉय करें, टेंशन ना लें। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। तो मॉर्निंग का आगाज हो चुका है हमारा और मेरी मॉर्निंग क्योंकि ये लोग उठ गए थे सुबह और उठ के ये लोग जा चुके थे बाहर, और बाहर कहाँ गए थे, डॉक्टर जॉर्ज के पास गए थे भाई थे। अभी हम उठे 4 बज गए और अब मैं फौरन से जाती हूँ चाय पीती हूँ और फटाफट से खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि मजीद इससे पहले कि दिन का आगाज होते ही खत्म हो जाए। और हाँ जल्दी से जाओ और जाके क्या करो, हमें यार रोजाना दे रही, आजकल जो छुट्टियां चल रही है ना बच्चों की, इस वजह से ना मुझे लेट हो जा रहा है, हर चीज में लेट होता है। मेरी चाय लेकर आऊँ पहले, मैं फिर आपसे बात करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। मेरे पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं, मैं इनको खाती हूँ। अब मैं करती हूँ नाश्ता, मैंने आज बनाया था घर का पराठा और प्याज टमाटर वाला अंडा। अब हम सामने में नाश्ता कर लिया, अब हमके बाबा ने भी नाश्ता कर लिया, अब रह गए हम। मैं कर रही हूँ नाश्ता क्योंकि मुझे होता है कि जल्दी से पहले नमाज पढ़ लूँ फिर नाश्ता करूँ आराम से बैठ के, क्योंकि ना मुझसे ना फिर कुछ खाए पिए नहीं जाता सुबह की वजह से। वकार का दिन चाहते कि पहले नाश्ता करें फिर बाकी काम करें। मैं तो अपनी चाय भी लाई हूँ, कल वाली कीमा भी लाई हूँ और ये तंदूरी की रोटी भी लाई है। A few moments later. तो आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ दाल एंड चावल। और इसके बीच में पता है क्या हुआ था, जैसे मैंने दाल चढ़ाई ना चूल्हे के ऊपर थोड़ी देर बाद पता चला लो जी गैस ही चले गई। फिर गैस वाले को बुलाया, फिर जल्दी से सही करवाया। तो अब जो है ना मुझे लेट हो गया आज खाना बनाने में, जब तक इतनी देर में मैंने अपने घर की बाकी सफाई कर ली और अब जो मैंने दोबारा से दाल चढ़ा दी है। तो अभी मेरे दाल चावल रेडी होते हैं तो फटाफट से खाते हैं। तो ये देखो जी मेरा जो है ना दाल हो गई है रेडी। आज जो है ना मैंने जीरा वाली भगाड़ दी है इस दाल में, हरी मिर्च नहीं डाली पर सी जीरे वाली भगाड़ दी मैंने ये दाल। मेरे राइस भी रेडी हो चुके हैं, मैं खाती हूँ जल्दी से खाना। तो ये मैंने अपनी प्लेट निकाली, इसमें मैं डालती हूँ ऊपर से रायता एंड दाल चावल। A few moments later. आज मैंने बनाए जी ब्लैक चने, मेरा दिल चाह रहा था इसे ब्लैक चने बनाने के लिए, तो मैंने मसाले वाले प्याज डाल के मसाला डाल के चटनी डाल के प्लेन ब्लैक चने बनाए। किस चीज की चाबी देंगे आप? और ये मैं अपने लिए खाना ले आई हूँ जिसमें मैंने राजमा चावल निकाला है और उसके साथ ब्लैक चने निकाले। तो जी दुनिया वालों आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, तो ये जी माइक्रोसॉफ्ट की जो है ना थर्मोस, वाटर थर्मोस, तो ये वकार लेकर आए थे और ये मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने उनसे बोला कि मुझे ही दे दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर ना पानी ठंडा रहेगा और अगर इसके अंदर आप जो है ना चाय वाय डालेंगी तो वो गर्म रहेगी, तो इसलिए मैं इसको पानी के लिए यूज करूंगी क्योंकि मैं टिकटॉक पर लाइव जाती हूँ ना अक्सर, तो पानी पीने के लिए मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना इसको यूज करूंगी। इसके ऊपर कैप आएगा और ये इसका ढक्कन खुलेगा और ये जो है ना स्ट्रॉ है इसकी जाएगी इसके अंदर जाएगी स्ट्रॉ। और अब कहीं बाहर लेके जाना है तो आप इसको हटाएंगे स्ट्रॉ को और फिर इस कैप को इसके ऊपर लगा देंगे, या स्ट्रॉ हटाएंगे आप नॉर्मली बंद करना है तो आप स्ट्रॉ हटाएं इसकी और इसको बंद करके एज इट इज़ ऐसे रख दें, तो जम्स वगैरह कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। और इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपको स्ट्रॉ यूज़ नहीं करनी ना तो आप इसका ये देखो यहाँ से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, देखो ये यहाँ से कैप हटेगा और यहाँ से भी आप इसको पी सकती हो आराम से। ये बहुत अच्छी लगी मुझे, ये वाटर बॉटल कह लो उसको, ये थर्मोस कह लो। मेरा इसको लेने का ना एक और मकसद था, वो मकसद ये था कि मेरा जो पानी का जो मैं ग्लास भूल जाती हूँ ना पीना कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में, तो ये पूरा हो जाएगा। मैं ये जो है ना तीन जो है ना कम से कम थर्मोस जो है ना एक दिन में मैं पीऊंगी। तो इसके अंदर मैं लेमन भी डाल सकती हूँ और कुकम्बर जो है ना वो भी कट करके मैं इसके अंदर रख सकती हूँ, तो ये कि उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और चर्बी भी कम हो जाएगी, फैट भी कम होगा और पानी की जो आपकी बॉडी में कमी है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो इसके मैं 2 से 3 फायदे उठाने लगी हूँ इंशाल्लाह। बस दुआ करो कि आज ही का ना हो ये सारा ड्रामा,
कंटिन्यू रख सकूं मैं इसको, वरना कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम सोचते कर रहे यार हमें ऐसा करना है और वाह करेंगे और फिर करते नहीं हम भूल जाते हैं। बन रही है यहाँ पे चाय, अभी मैं चाय बनाऊंगी और फिर हम खाएंगे चाय पापा, चाय पापा या शेरमाल खाऊंगी मैं, दोनों में से एक चीज। चाबी गाड़ी की चाबी आपके पास है? वेट बाबा इज कमिंग, वेट वेट अफॉर्म वेट अफॉर्म वेट। तो आपकी बहन जो ना तैयार श्यार हो गई, अभी तैयार तो नहीं हो, आपकी बहन जो ना नहा के आ गई है, सुबह से ऐसी भंगन बन के घूम रही थी मैं, तो फाइनली इस टाइम बज गया है 7:30। मैंने कहा बहन नौरिन चले जाओ अब तो नहा के आ जाओ, लगे वास्ते अपने अंदर से मुझे खुशबुएं आने लगी थी, खुशबुएं तो मैं फटाफट से नहा के आ गई हूँ। चलो तो जी आज का दिन मैं कर देती हूँ यही क्वाइट अफाम। तो अफाम साहब जो ना अभी तक नहीं सोए, 11:30 हो गए और अफाम को सोने का कोई इरादा नहीं लग रहा। सुबह अफाम का स्कूल है, स्कूल लेके जाना है अफाम को, मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही है और अफाम सोएंगे तो फिर मैं सो सकूंगी, वरना मैं नहीं सो सकूंगी। तो इसलिए मैं जाऊंगी पहले अफाम को सुलाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी नमाज पढ़ूंगी, क्लिनजिंग करूंगी, आज मुझे अपनी क्लिनजिंग करनी है। आप लोग रख लो और रखो अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद मिलेंगे टुमारो एक और नए दिन के साथ। जब तक ली दीजिए अपने बहन को इजाजत, तो टाटा बाय बाय, शाबाश दुनिया वालों, चिक 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 चिक।